नमस्कार, आपका एक बार फिर स्वागत है रिन्वा स्टडी पॉइंट की ज्योग्राफी की क्लास में। हमने इससे पहले भौतिक भूगोल के टॉपिक लिए थे, आज मैं राजस्थान का भूगोल का टॉपिक लेके आया हूँ। काफ़ी स्टूडेंट्स की मांग थी कि सर हम बीएचटीसी की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए हम एक आज राजस्थान का सामान्य परिचय लेके मैं आया हूँ। राजस्थान प्रदेश भारत देश के अंतर्गत आता है। इसकी अगर हम सामान्यतः बात करें तो राजस्थान को सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में राजपुताना नाम दिया था। जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में राजपुताना नाम दिया था। इससे पहले महर्षि वाल्मीकि ने 'मरुकांतर' कहा था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर बीएसटीसी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के तौर पर अपन देखेंगे तो इस प्रकार के छोटे से क्वेश्चन हर बार आते हैं कि मरुकांतर राजस्थान को किसने कहा। तो इस प्रकार हमें यह ध्यान होना चाहिए कि महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान को मरुकांतर कहा था और जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में इसे राजपुताना नाम दिया था। दूसरी अगर हम इससे रिलेटेड बात करेंगे तो हमारे पास में एक राजस्थान के इतिहास को लेकर या राजस्थान की बात करेंगे तो कर्नल जेम्स टॉड का नाम आता है, जिसको अपन घोड़े वाले बाबा के नाम से जानते हैं। कर्नल जेम्स टॉड ने सर्वप्रथम इसे रायथान का और राजस्थान का नाम, प्रदेश का राजस्थान नाम 26 जनवरी 1950 को राजस्थान स्वीकार किया गया। ये तो था राजस्थान के नाम का सामान्य परिचय। हम राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की बात करें, अक्षांशीय विस्तार क्या होता है और देशांतरी विस्तार क्या होता है, मैं आपको बताऊं कि हमने इससे पहले ग्लोब के बारे में पढ़ा था कि ये ग्लोब है, इस ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर समानांतर रेखाएं खींची जाती हैं, वे काल्पनिक रेखाएं जो ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं उन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं, और अक्षांश रेखा से किसी क्षेत्र का जलवायु, तापमान और दूरी का हमें ज्ञान होता है, इसका हमें ज्ञान होता है। ये 0 से 90 डिग्री उत्तर में, इसको हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और 0 से 90 डिग्री दक्षिण में, इसको हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अगर राजस्थान की हम स्थिति की बात करें तो राजस्थान इस ग्लोब में उपोष्ण कटिबंध में स्थित है, उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। कैसे, अभी हम इसके बारे में पता करेंगे कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है और राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक इसका अक्षांशीय विस्तार है, और अगर हम इसके देशांतरीय विस्तार की बात करें तो ये हमारा देशांतरीय विस्तार है। ये इन स्थानों के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। इसका अपन देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट से ये हमारे पास में 78 डिग्री 17 मिनट है। अब हम इन चार स्थानों के बारे में अध्ययन करते हैं कि ये चार स्थान कौन से हैं। कंपिटेटिव एग्जाम में और विशेषकर बीएचटीसी जैसे एग्जाम में विशेषकर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारे पास में जो हमारा उत्तरी सिरा है, और ये तो उत्तर दक्षिण सिरा हो गए और ये पूर्व पश्चिम सिरा
हो गया। अगर हम इनका अध्ययन करें तो उत्तर में हमारे पास में कोणा गांव, श्रीगंगानगर जिले का है, श्रीगंगानगर जिले का कोणा गांव। और अगर दक्षिण में बात करें तो बोरकुंड गांव, बोरकुंड गांव ये बांसवाड़ा जिले का है। और अगर पश्चिम में बात करें तो हमारे राजस्थान का पश्चिमी सिरा ये है कटरा गांव, जैसलमेर जिला। और अगर हम पूर्वी सिरे की बात करें तो ये है हमारे पास में सिलान गांव, धौलपुर जिला। ये हमारे पास में चार कोने हैं राजस्थान के। तो जो कोणा गांव गंगानगर से बोरकुंड गांव बांसवाड़ा ये हमारे पास में है 826 किलोमीटर, यानी कि राजस्थान का उत्तर दक्षिणी विस्तार 826 किलोमीटर है। राजस्थान का उत्तरी दक्षिणी विस्तार 826 किलोमीटर है। पूर्व पश्चिमी विस्तार की बात करेंगे तो ये हमारे पास में है 869 किलोमीटर, मतलब सिलान गांव धौलपुर से कटरा गांव जैसलमेर तक ये हमारे पास में पूर्व पश्चिम विस्तार ये है 869 किलोमीटर। कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी एग्जाम्स में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर इसकी हम अगर सीमाओं के बारे में अध्ययन करें कि राजस्थान और राजस्थान एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करता है, भारत पाक सीमा, पाकिस्तान के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करता है जिसे हम रेड क्लिफ सीमा कहते हैं, जिसकी लंबाई 1070 किलोमीटर है। हाँ, इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इसमें से, जो विस्तार इसके बाद में हम इसकी सीमाओं के बारे में बात करेंगे। हमने जो इनका विस्तार पढ़ा है कि राजस्थान का 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी गोलार्ध में, और 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। इनको इसका एक क्वेश्चन भी आता है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, मतलब 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट का जो हमारा विस्तार है ये विस्तार कितना है, तो ये विस्तार है 7 डिग्री और 9 मिनट का। इसी प्रकार हमारे पास में देशांतरीय विस्तार का भी है कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है, जो कि 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट है, ये हमारे पास में विस्तार है 8 डिग्री और 47 मिनट का। क्वेश्चन कई बार बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि राजस्थान का कुल अक्षांशीय विस्तार बताइए 7 डिग्री 9 मिनट, राजस्थान का कुल देशांतरीय विस्तार बताइए 8 डिग्री 47 मिनट। इसके बाद हम सीमाओं की बात कर रहे थे, राजस्थान ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करता है पाकिस्तान देश के साथ, जिसकी लंबाई 1070 किलोमीटर है। इसके बाद राजस्थान यहां पे पंजाब के साथ सीमा बना रहा है। यहां पे राजस्थान के चार जिले हैं, श्रीगंगानगर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हमारे जिले हैं वो मैं आपको बताऊं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कौन कौन से जिले लग रहे हैं हमारे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जो हमारे जिले लग रहे हैं उसमें सबसे पहले है श्रीगंगानगर,
दूसरा है बीकानेर, तीसरा है जैसलमेर और चौथा है बाड़मेर। ध्यान रखने की बात है कि हमारा जालौर जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण नहीं करता है। कई बार हम देखते हैं, क्योंकि हम जालौर जिले से हैं और हम सोचते हैं कि हमारे पड़ोस में पाकिस्तान है और हम पाकिस्तान के साथ में सीमा का निर्माण करते हैं। नहीं, हम पाकिस्तान के साथ में सीमा का निर्माण नहीं करते हैं। ये चार जिले गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करते हैं और ये कुल लंबाई है 1070 किलोमीटर। इसके साथ में पंजाब के साथ हम सीमा बना रहे हैं। पंजाब के साथ हमारे दो जिले लगते हैं, गंगानगर, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। मतलब हमारे दो जिले पंजाब के साथ सीमा बना रहे हैं। कुल लंबाई है 89 किलोमीटर। कुल लंबाई 89 किलोमीटर है। इसके बाद हम हरियाणा के साथ सीमा बना रहे हैं। हरियाणा के साथ हम 1262 किलोमीटर की लंबी सीमा बना रहे हैं। हरियाणा के साथ में हम 1262 किलोमीटर की लंबी सीमा बनाते हैं। इसमें हमारे जो जिले हैं, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर, और हम फिर उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा बनाते हैं। उत्तर प्रदेश के साथ हमारी सीमा है 877 किलोमीटर और हमारे दो जिले भरतपुर और धौलपुर, ये दो उत्तर प्रदेश के साथ में हम सीमा बनाते हैं। फिर इसके बाद हमारी सीमा आती है मध्य प्रदेश के साथ में। मध्य प्रदेश के साथ में हमारी सीमा की लंबाई है 1600 किलोमीटर और फिर उसके बाद में हमारी सीमा आती है गुजरात के साथ, और गुजरात के साथ में हमारी सीमा की लंबाई है 1022 किलोमीटर। इसमें एक तथ्य निकल के आता है कि राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राज्य सीमा हम किस प्रदेश के साथ बनाते हैं, तो उसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। और सबसे कम सीमा हम पंजाब के साथ बनाते हैं। पंजाब के साथ में हम सबसे कम सीमा बनाते हैं। ये राजस्थान के सामान्य परिचय को लेकर ये टॉपिक था हमारा। बीएसटीसी को लेकर हम नेक्स्ट राजस्थान के भौतिक स्वरूप, राजस्थान का एकीकरण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, उसको लेकर हम वापस उपस्थित होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।